ही आ जाएगा ये बिल्कुल आराम से, खाली स्पेस ही इतना है जितना इसके अंदर आ सके। कुछ इस तरीके से आपको ये यूं इसके ऊपर रख देना है। अभी हमारे पास है अल्टो का केटन वाला मॉडल, 2012-13 का ये मॉडल है और इसके अंदर हम लगाने वाले हैं कार का वुडन आर्मरेस्ट। प्रॉपर आता है हर गाड़ी हर मॉडल के हिसाब से, तो इसमें भी आपको लगा के दिखाते हैं कि आप इसमें खुद से कैसे लगा सकते हो। बहुत सिंपल होता है। वैसे जितने भी अल्टो के आपका कोई भी मॉडल हो, पुराना अल्टो हो, केटन हो, या लेटेस्ट वाला अल्टो 800 हो, न्यू केटन हो, सबके अंदर जो है वो आर्मरेस्ट एक ही आता है, क्योंकि जो सेंटर कंसोल है आप यहाँ देख सकते हैं, सेंटर कंसोल जो है वो हर मॉडल के अंदर लगभग सेम ही होता है। तो खाली रखना होता है, बिल्कुल प्रॉपर मिल जाएगा इसके लिए आपको। और जैसे यूनिवर्सल अगर आप लगाते हैं तो इनमें दिक्कत आती है, क्योंकि इसमें जो स्पेस है सेंटर कंसोल के ऊपर वो काफ़ी कम होता है। अगर आप प्रॉपर वाला लगाएं तो फिर कोई दिक्कत नहीं आती, बिल्कुल एकदम इसमें अच्छे से आ जाएगा। दो कलर ऑप्शन इसमें मिल जाते हैं, ब्लैक प्लस बेज। तो आपको अभी इसमें एक आर्मरेस्ट लगा के दिखाते हैं, दोनों कलर ऑप्शन आपको मिल ही जाएंगे। अल्टो K10 है ये, 2012-13 वाला मॉडल, रख के दिखाते हैं और जो बाकी डिटेल है वो सारी की सारी आपको देते हैं वीडियो में आगे। चलिए शुरू करते हैं। ये है इसका प्रॉपर वाला वुडन आर्मरेस्ट, आप देख सकते हैं डबल स्टिच के अंदर है ये। बेज कलर आपको लगा के दिखाते हैं, इसमें वैसे ऑप्शन दोनों ही मिल जाएंगे, ब्लैक भी और बेज भी। आप इसमें देख सकते हैं नीचे जो स्पेस कम है ये उसी हिसाब से यहाँ पे थोड़ा सा कम हो गया है, और बाकी लकड़ी से बना होता है जैसा कि नाम से ही पता चलता है, और कुछ इस तरह का होता है। डबल स्टिच वाला माल है जो अभी सारा का सारा आ रहा है। इसमें ब्लैक कलर चाहिए हो तो इसमें ब्लैक भी मिल जाएगा। इसके अंदर ये स्पेस होता है थोड़ा सामान वगैरह रखने के लिए। एक बार रख के दिखाते हैं आपको, सिंगल हाथ से ही आ जाएगा ये बिल्कुल आराम से, खाली स्पेस ही इतना है जितना इसके अंदर आ सके। कुछ इस तरीके से आपको ये यूं इसके ऊपर रख देना है, यूं कुछ ऐसे। ये देखिए ये लग गया है बस इसमें, और कुछ नहीं करना, ये इतना सा ये लगाने का तरीका। हैंड ब्रेक वगैरह पूरा बाहर है, आप इसमें देख ही सकते हैं। और एक बार बैक से इसका दिखाते हैं आपको व्यू कैसा आ रहा है पीछे की साइड से। ये जैसा कि आप देख सकते हैं कलर इसमें दोनों ऑप्शन मिल जाएंगे, ये वैसे ही ब्लैक की जगह बेज लगा रहे हैं अभी हम, तो आप चाहें तो इसको आगे पीछे यूं कर सकते हैं यहाँ से। और बिल्कुल ये पूरा इसी के साइज के हिसाब से बना हुआ है, तो एकदम परफेक्टली फिट आएगा, कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं आएगी इसमें कि फिटिंग में कोई दिक्कत आया, क्योंकि यूनिवर्सल अगर होगा ना वो चौड़ा होता है तो उसमें फिटिंग में फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, पीछे से लुक कुछ ऐसा होगा, ब्लैक या बेज दोनों कलर इसमें मिल ही सकते हैं। और यहाँ से अगर आप देखें तो थोड़ा बहुत आगे पीछे अभी भी आप कर सकते हैं, लेकिन हैंड ब्रेक अभी भी यूज़ करने में ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं है खास, क्योंकि आप देखें तो पूरा हैंड ब्रेक बाहर है। हल्का फुल्का तो डिफरेंस आएगा अगर ये बीच में लगता है तो, लेकिन अगर लंबी ड्राइव होती है तो फिर काफ़ी काम का है, काफ़ी रिलैक्स रहता है हाथ को। और अंदर जो स्पेस है वो कुछ ऐसा होगा, इसके अंदर सामान वगैरह रखने के लिए काफ़ी स्पेस है, यानी आप फ़ोन रख सकते हैं, वॉलेट रख सकते हैं, ऐसा कोई भी सामान हो तो। और स्क्रू वगैरह लगाने की कहीं से भी कोई ज़रूरत नहीं, आप इसमें देख ही सकते हैं। कुछ गाड़ियां अगर जिनमें सेंटर कंसोल लूज हो रहा हो या थोड़ा घिस गया हो तो वहाँ पे 1% कह सकते हो, नहीं तो 99.9% कभी भी इसमें स्क्रू लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है K10 में। और जितने भी मॉडल हैं अल्टो के, ओल्ड वाला कह लो आप, लेटेस्ट वाला कह लो, 800 वाला कह लो, K10 वाला कह लो, सबके अंदर यही वाला आर्मरेस्ट आता है। लुक जो है वो आप इसका देख ही सकते हैं, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, आप इसको पीछे से जैसा कि अभी दिखाया था खींच के आगे कर ही सकते हैं। ये है अल्टो K10 12-13 वाला मॉडल, बाकी अल्टो का कोई भी मॉडल हो सबके लिए यही वाला आर्मरेस्ट आएगा, और इसका जो ओवरऑल लुक होगा कुछ इस तरह का होगा, ये आप देख ही सकते हैं। इसके बारे में अगर कोई और क्वेरी हो तो आप कमेंट करके उसकी डिटेल हमसे ले सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी ही। जय हिंद।